हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पिजन फार्म हरियाणा में। होप्सो भाई सभी दोस्तों के कबूतर हेल्थी होंगे भाई, तंदुरुस्त होंगे भाई। दोस्तों आज भाई सभी दोस्तों के साथ एक नुस्खा शेयर करूंगा मैं। भाई नुस्खा सभी को मालूम तो है दोस्तों, लेकिन कुछ भाइयों को मालूम नहीं है। कुछ भाइयों के पास गोली है लेकिन उनको लगानी नहीं आई है भाई, तो वही बताऊंगा भाई मैं। और आपको भाई जो इंग्लिश गोली होती है ना भाई, जिसको मोती वाला बोलते हैं, उसका लगाने का तरीका बताऊंगा मैं आपको, लगाने कैसी है। बहुत से भाइयों को भाई पास गोली तो है लेकिन उनको भाई लगाने का नहीं पता, तो दोस्तों मैं आपको लगाने का ही तरीका बताऊंगा भाई कि आपने मोती वाली गोली को लगाना कैसे अपने कबूतर को, अगर आप अपने कबूतर को बाजी वगैरह में उड़ा रहे हैं। भाई लगानी तभी है जब आपने अपने कबूतर को बाजी में छोड़ा हो, ठीक है दोस्तों। और जैसे बताऊंगा भाई वैसे ही लगानी है। अगर साल्ट भाई कम बत्ती हो गया तो दोस्तों भाई कबूतर मर सकता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों बता देता हूँ मैं, अगर डोज कम बत्ती होगी ना भाई, अगर आप मोती वाली गोली अपने कबूतर को लगाते हो और डोज कम ज़्यादा हो गई तो आपका कबूतर मर जाएगा भाई, कोई दवाई उस कबूतर को बचा नहीं पाएगी। तो दोस्तों इंग्लिश गोली का खेल ऐसा, हमको उसको लगाने से पहले ना उसको हमको बचाने का इलाज होना चाहिए कबूतर को। कबूतर को संभाल का पता होना चाहिए। अगर हम कबूतर को मोतीवाल एवल 25 या फिर और भी बहुत सारी इंग्लिश टैबलेट है, अगर वो गोली हम कबूतर को लगा रहे हैं तो वो गोली लगाने से पहले हमें उसके बचाव को पता होना चाहिए कि इस गोली के कबूतर को उतरने के बाद कबूतर को बचाना कैसे है। तो बहुत से भाइयों को तो भाई बचाने का ही नहीं पता भाई, ठीक है, और कुछ भाइयों को तो भाई गोली लगाने का ही नहीं पता है। तो मैं दोनों चीज़ें बताऊंगा भाई दोस्तों, ठीक है भाई। और भाई सबसे पहले एक बात बताता हूँ मैं दोस्तों, मौसम बदल गया भाई, कबूतर बीमार होने लग रहे हैं क्योंकि 3-4 दिन से बहुत सर्दी और बारिश है। जो भी कबूतर अपने दोस्त अपने कबूतर को भिग्या हुआ दाना डालने हैं ना भाई, बंद कर दे, भिगो का दाना डालना बंद कर दे। जो भी भाई भिग्या हुआ दाना डालने अपने कबूतरों को बंद कर दे 2-3 दिन, जब तक ये मौसम नहीं ठीक होता भाई, नहीं तो भाई कबूतर हरी टेढ़ी बीट करने लग जाएंगे और बीमार हो जाएंगे दोस्तों, पहली तो बात ये। दूसरी बात भाई, सभी दोस्तों को थैंक यू, धन्यवाद भाई। आज अपने चैनल के भाई 5000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं यूट्यूब पर। जो भाई नए जुड़ रहे हैं आ रहे हैं भाई, सभी दोस्तों का भाई दिल से धन्यवाद दोस्तों, ठीक है भाई। और एक रिक्वेस्ट है भाई सभी दोस्तों से, भाई आसपास भाई सभी दोस्तों के शेयर किया करो, अपने दोस्तों को बताया करो भाई कबूतरों की वीडियो शेयर किया करो, नॉलेज कबूतरों की भाई, दूसरे भाइयों को भी कबूतरों की बीमारी से या फिर नुस्खों का पता चले दोस्तों, ठीक है भाई। धन्यवाद भाई सभी दोस्तों का दिल से जो भाई मेरे साथ YouTube चैनल पर जुड़ चुके हैं। तो बात करते हैं भाई दोस्तों मोती वाली गोली की लगानी कैसे है भाई। दोस्तों जब बाजी हो ना और टेम्परेचर 40+ हो तो मोती वाली चलेगी भाई, ठीक है। पहली तो बात ये बता देता हूँ मैं, आपने टेम्परेचर 40 के आसपास हो तो मोती वाली लगानी है आपने भाई, ठीक है। अगर आप उससे पहले मोती वाल का यूज़ करते हो किसी कबूतर पर तो कोई गारंटी नहीं, आपका कबूतर उड़ भी गया तो कोई उतरेगा नहीं, काम करेगी तो उतरेगा नहीं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि गोली भाई बहुत हाई क्वालिटी की होती है। मैं आपको फिर भी लगाने का तरीका बताऊं, आपने 40-42 की टेम्परेचर पर मोती वाल का यूज़ कैसे करना है। दोस्तों आपने भाई एक मोती वाल गोली लेनी है, ठीक है, उसका भाई 8वां हिस्सा लेना दोस्तों, मोती वाली गोली का 8वां हिस्सा बता रहा हूँ मैं आपको दोस्तों, 8वां या 7वां भाग आप मोती वाली गोली का यूज करोगे। और भाई साथ में आपने लेनी है एक बेटनासोल गोली, ठीक है, बेटनासोल गोली आपने साबुत रखनी है, ठीक है। मोती वाल का 7वां या 8वां भाग आपने यूज करना लगाना भाई आपने, आप दोस्तों मुनक्का लेके आना, ठीक है, एक मुनक्का होता है वो है ना भाई डाक वर्ग होता है, ठीक है, डाक छोटे साइज की होती है, मुनक्का थोड़ा बड़े साइज का होता है भाई। आपने मुनक्का लेके आओगा ना, मुनक्के को ब्लेड से बीज से थोड़ा सा काट लेना भाई एक साइड से, और उसके जो बीज है ना वो निकाल लेना किसी पतली सी चीज से, जैसे सीक वगैरह से या सुई वगैरह से आराम से, ठीक है। फिर भाई आपने जो मोती वाला का टुकड़ा और बेटनासोल गोली है उसके अंदर बीच में रख देने हैं भाई। भाई दोस्तों अब उसको रील से लपेटना है, ठीक है, धागे से गांठ मारनी है उसको। वो गांठ कैसे मारनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर टेम्परेचर भाई 43-44 के आसपास है और आपका कबूतर उड़ा दे रहा भाई 2:30 बजे तक 3 बजे तक आपका कबूतर अच्छी उड़ा दे रहा, तो आप भाई जो गांठ मारनी है ना रील की, रील से गांठ मारनी है उसको,
तो तीन जगह से गैठ मारनी है, दोनों कोने से और बीच से। तो थोड़ी रील की गैठ ज्यादा मार दे ताकि वो लेट खुले, यानी 3-4 बजे के आसपास खुले, क्योंकि उस टाइम तक तो अपने कबूतर की उड़ा रही है, वो खुद ही उड़ेगा, हमने उड़ाना उसके बाद में है। तो रील की गैठ थोड़ी कड़ी मार दे ताकि आपका कबूतर 2-2.5 बजे तक नॉर्मल उड़ा ले। अगर दोस्तों आपका कबूतर उड़ा दे रहा 12 बजे तक, 1 बजे तक, और आप उसको बाजी में छोड़ रहे हो, तो भाई जो रील की गांठ लगा रहे हो ना, वो सिर्फ 2-2 तांके की गैठ लगाए वो लगा दे, ठीक है, ज़्यादा करड़ी ना लगाए, क्योंकि भाई हमने देखना ये है कबूतर की गांठ जो है वो खुलनी चाहिए 12-1 बजे के आसपास, क्योंकि वो हमारे कबूतर की उड़ा रहा है गर्मी में टेम्परेचर के हिसाब से। भाई दोस्तों ये मोती वाल लगाने का तरीका है भाई, जिन भाइयों को नहीं पता भाई वीडियो को देख के और समझे भाई, और आसपास अपने दोस्तों के साथ शेयर करे भाई, ताकि उन भाइयों को भी पता चले मोती वाल लगाने का तरीका कैसा। ये तो है भाई लगाने का तरीका। अब दोस्तों आता है बचाव करने का तरीका, ठीक है, अगर मोती वाल लगाने के बाद आपका कबूतर उतरिया है, श्याम कर दिया आपके कबूतर ने, तो उसको बचाना कैसे है, उसकी देखभाल कैसे करनी है अच्छे से। पहली तो बात दोस्तों, जब आपका कबूतर उतरे, ठीक है, देखो मोती वाला ना 40+ टेम्परेचर में लगी, ये तो बात आप ध्यान रख लो दोस्तों, उससे कम में लगाओगे तो कोई फायदा नहीं है। तो भाई उतरने के बाद आपका कबूतर उतर गया आपके हाथ में है, तो 15 से 20 मिनट उसको ऐसे ही बैठा के रखे, आराम से रेस्ट कर लेंगे, ठीक है। 15-20 मिनट बाद कबूतर को भाई थोड़ी सी गुड़ की डली दे, थोड़ी सी नाम मात्र गुड़ की डली, चने के साइज से छोटी दे, यानी दाने के जितने के साइज की गुड़ की डली दे अपने कबूतर को, फिर उसको उसके खाने में बैठा दे भाई। उसके 2-2.5 घंटे भाई भाई अपने कटोरी में या फिर अपने हाथ के अंजड़े में भाई कबूतर को थोड़ा सा पानी पिलाए, सिर्फ एक घूट, जैसे एक घूट भरता ना वो भरने दे बस, फिर दूर कर दे भाई। जो ये घूट भरने वाला सिलसिला ना भाई 2-2.5 घंटे बाद करना अपना है, और उसके फिर 1 घंटे बाद ऐसे ही घूट भरवानी है कबूतर की पानी की, ठीक है। फिर ये आपने 2-3 घंटे तक करना, यानी 2-3 घंटे बाद जब कबूतर को उतरे 4-5 घंटे हो जाए, फिर आप कबूतर को पानी रख सकते हो भाई, उसको खाने पीने का जो बादाम वगैरह चराते हो, एकदम फुल ज़्यादा नहीं बादाम देने आपने, 2-2.5 बादाम देने हैं, जिससे कबूतर का एकदम भाई फोटा वगैरह ज़्यादा फूले ना, ज़्यादा पानी ना पिए भाई। तो भाई ऐसे देखभाल करनी अपने कबूतर की, ठीक है दोस्तों। तो भाई दोस्तों जो भाई वीडियो पर नए आते हैं भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें भाई, आसपास अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें भाई, ताकि दूसरे भाइयों के भाई कबूतरों के नुस्खे का पता चले, बीमारी का पता चले, और दूसरे भाइयों को भी भाई भला हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।